students, welcome to our channel. If you want to keep in touch with our channel, then please subscribe the channel and click the bell icon. आज हमें करना है biology 10 class का chapter number 11. Lecture number 1 करेंगे, that is homeostasis. Homeostasis के chapter के under हमें जो contents करने हैं, वो हैं homeostasis की definition. Then हम करेंगे processes helping in homeostasis, then homeostasis in plants, osmotic adjustment in plants, homeostasis in humans, urinary system in humans, kidney disorders in human, and last में करेंगे treatment of kidney failure. तो start करते हैं हम अपने first topic से. First of all देखते हैं what is homeostasis. Homeo means same and stasis meaning equilibrium. ठीक है, तो homeostasis की definition को देखते हैं, that is maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite the changes in external environment. ठीक है, homeostasis एक ऐसी condition है जिसमें हम कोशिश करते हैं अपनी body के internal conditions को maintain करने की. ठीक है, despite the changes in external environment means के बाहर के environment में चाहे जो मर्जी changes आ जाएं, ठीक है, लेकिन हमें अपनी body के अंदर की conditions को maintain रखना है. Example इसकी देखते हैं, the most important example जो यहाँ quote करते हैं, that is core temperature of the body. ठीक है, हम human beings का जो body का internal temperature है, that is constant, that is 37 degree centigrade. ठीक है, इस temperature के ऊपर हमारी body के जो enzymes हैं वो best work करते हैं. जैसे ही temperature fluctuate होना शुरू होता है, 37 से बहुत ज़्यादा down जाता है या बहुत ज़्यादा up जाता है, तो हमारी body के अंदर जो enzymes हैं और enzymes की functioning है वो disturb हो जाती है. ठीक है, even के बहुत low और बहुत high temperature पे हमारे enzymes जो हैं वो denature हो सकते हैं, और denature होने की वजह से जितना भी body का internal system है वो सब disturb हो जाता है, even it can cause the death. ठीक है, second जो है example, that is the blood glucose level. Normally body के अंदर जो glucose level है वो per liter blood के देखा जाए तो that is constant 1 grams. ठीक है, हम जब diet लेते हैं तो rich of कार्बोहाइड्रेट अगर हम डाइट लेते हैं तो उसमें तो बहुत सारा ग्लूकोज होता है. जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं, चाहे उसमें क्वांटिटी जो है शुगर की या कार्बोहाइड्रेट की वो जितनी मर्जी है, ठीक है, बट हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम सेट है जो क्या करता है, इस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, कॉन्स्टेंट रखता है. तो पर लीटर हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, दैट इज 1 ग्राम्स. What is the importance? क्यों जरूरी है homeostasis को या body के internal conditions को maintain करना? ठीक है, तो first of all जो most important चीज़ है वो ये है कि body cells जो हमारे हैं उसे internal environment को maintain रखना होता है. ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी body cells के अंदर की जो environment है वो constant रहे, उसमें बहुत ज़्यादा change ना आए. सेकेंड है एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, के हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उसकी फंक्शनिंग बेस्ट होनी चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कोई भी फ्लक्चुएशन आएगा हमारी बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम्स की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी. ठीक है, तो ओवरऑल बॉडी को तो अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना ही होता है. हमारी बॉडी के अंदर जो हर सेल है, ईच एंड एवरी सेल को भी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना होता है. वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो हेल्प करते हैं होम्योस्टेसिस में? ठीक है, प्रोसेसेस हेल्पिंग इन द होम्योस्टेसिस, 3 प्रोसेसेस आर देयर बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोरेगुलेशन, सेकेंड थर्मोरेगुलेशन, एंड द थर्ड वन इज एक्सक्रीशन. नाउ व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? Osmo is from osmotic. Osmotic mean the salt and water level, and regulation mean maintenance. तो osmoregulation एक ऐसा process है जिसके जरिए
हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को के थ्रू अपनी जो है सॉल्ट्स और वाटर के लेवल को मेंटेन करती है। किस किस तरीके से करती है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोरेगुलेशन मीन द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है या दूसरे टिश्यू फ्लूइड्स हैं उसके अंदर कॉन्स्टेंट लेवल मेंटेन रखना होता है वाटर का भी और सॉल्ट्स का भी। प्रीवियस 9th क्लास में हम बड़े अच्छे से टॉनिसिटी की टर्म को डिस्कस करके आए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा सेल को मेंटेन करना पड़ता है अपने बैलेंस को। ठीक है, बैलेंस रखना होता है सॉल्ट और वाटर के लेवल को, बिकॉज जब भी ये वाटर या सॉल्ट का लेवल डिस्टर्ब होता है तो सेल या तो श्रिंक कर सकता है या बस्ट कर सकता है। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अच्छा, ये टर्म्स भी हमारे लिए नॉन है। ठीक है, डिफ्यूजन का और ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है दैट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर हर सेल अपने वाटर और सॉल्ट के लेवल को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट चलते हैं थर्मोरेगुलेशन की तरफ। थर्मो मीन्स टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन मेंटेन करना, यानी बॉडी के अंदर एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। व्हाई, क्यों जरूरी है थर्मोरेगुलेशन करना हमारी बॉडी को? बिकॉज द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड यू नो वेरी वेल ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का है दैट इज 37 डिग्री सी। ठीक है, जिसपे हमारी बॉडी के एंजाइम जो हैं वो बेस्ट वर्क करते हैं। देन द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर होता है उसे बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, मीन्स रिमूव करना होता है। एनी मटीरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म दैट मे हार्म द बॉडी। हम जब भी फूड अपना खाते हैं तो उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं वो तो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, बट जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, दे आर पॉइजनस फॉर अस, तो उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये वो तीन मेथड्स हैं या प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो है अपने अंदर सॉल्ट्स एंड वाटर देन टेम्परेचर और को मेंटेन कर सकती है और अपनी हम अपनी बॉडी के अंदर से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करवा सकते हैं।